कहीं ये हमें बलि चढ़ाने के बारे में तो नहीं बोल रहा। आई होप पाताल भैरवी की स्टोरी की तरह बाल गणेश जी जल्दी आ जाए हमें बचाने। हे हिंदी या इंग्लिश प्लीज, हमें आपकी लैंग्वेज कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मेरा सैनिक कह रहा है कि तुम जेबा प्लैनेट जा रहे हो और तुम बाल गणेश जी के भक्त हो। प्रभु अंतर्यामी, आप हमारी भाषा जानते हो, ये तो चमत्कार हो गया। आप बाल गणेश जी को भी जानते हो? हम सिर्फ जानते ही नहीं, उनकी पूजा भी करते हैं। टोपी, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, कोई भी बटन बिना जाने नहीं दबाना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ तुम हमारे प्लैनेट पॉमजोम पर आए। पॉमजोम? अगर किसी और प्लैनेट पे गिरते तो? अरे लीडर जी, कुछ नहीं होता, मुझे पता है, मेरे बाल गणेश जी हैं ना। हमारे प्रभु हमेशा हमारे साथ होते हैं, उनकी कृपा हमेशा अपने साथ होती है, और इसीलिए उन्होंने आपको वरदान दिया होगा कि किसी भी मुसीबत में हो तो उनका नाम स्मरण करो और वो आपको बचा लेंगे। लेकिन हमें उस वरदान का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, जैसे रावण ने किया था प्रभु शिव के साथ। अरे ये स्टोरी तो हमने भी नहीं सुनी। सुनो स्टोरी रावण की। अति स्वादिष्ट, धन्यवाद नंदी जी। हाँ गम, सही कहा मूषक, अब तुम आराम करो, बाकी सब काम हम पर छोड़ दो। ये तो कमाल हो गया, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। भूकंप? पर ये धरती तो अचल है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे बेटा गणेश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं हुआ माँ, हम सब ठीक है, पर यहाँ तो भूकंप होना नामुमकिन ही है, ये कैसे हुआ? बेटा तुम्हारे पिताश्री और मैं यहाँ पर बैठे थे और अचानक से धरती हिलने लगी। प्रभु ने जब ध्यान लगा के देखा तो पता चला कि राक्षस राजा रावण कैलाश को उठाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनके सबसे प्यारे भक्त ने ये दुष्कर्म किया तो उन्हें सबक सिखाने के लिए प्रभु ने अपने अंगूठे से कैलाश को स्थिर कर दिया। और अब राक्षस राजा रावण का क्या होगा? माँ कर दीजिए भोलेनाथ, मेरे अहंकार की वजह से आप मुझसे नाराज हो गए। रावण, तुम्हें अपने अहंकार का त्याग करना होगा, परंतु तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति देखकर मैं प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भोलेनाथ, मैंने ये सब सिर्फ आपके दर्शन पाने के लिए किया। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? भोलेनाथ, मैं तो बस आप ही के जैसे शक्तिशाली होना चाहता हूँ। सच्चे भक्त भगवान के दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटते। तथास्तु। ये लो राक्षस राजा रावण, आज मैं अपनी सारी शक्ति का स्रोत तुम्हें सौंपता हूँ, किंतु एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त भोलेनाथ? एक बार जब तुमने आत्मलिंग उठा लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे नीचे नहीं रख सकते। हाँ? जब तक कि तुम अपने अंतिम स्थान पर पहुंच ना जाओ,
अगर तुमने आत्मलिंग को नीचे रख दिया तो उसे वापस उठाना असंभव हो जाएगा राजा राम। आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो जाएगा और तुम उसकी शक्ति का उपयोग भी हमेशा के लिए खो दोगे। जय शिव शंकर, आपने मेरी इच्छा पूरी करके मेरी भक्ति और भी गहरी कर दी। अब जब राक्षस राजा रावण ने आत्मलिंग को प्राप्त कर लिया है तो उन्हें हराना असंभव हो जाएगा। सही कहा नंदी, हमें कुछ तो करना होगा। प्रभु, पर वे तो बहुत ही शक्तिशाली है। आगम, सही कहा, और वो बहुत विद्वान भी है। तुम सब सही कह रहे हो, हमें एक योजना की जरूरत है। प्रभु, अब तक तो वे काफी दूर पहुंच गए होंगे, तो हमें जल्दी से निकलना होगा। चले चलो। अब तो मेरे पास आत्मलिंग है, अगर मैं सुबह शाम इसकी पूजा करूं, तो मैं और भी शक्तिशाली बन सकता हूं और इस दुनिया के तीनों लोक में राज कर सकता हूं। हमें कुछ भी करके रावण को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। क्या चल रहा है? प्रभु, हमारे पास दो योजनाएं हैं। अच्छा, बताओ। हम एक बड़ी गुलेल बनाएंगे और उससे एक साथ बहुत सारे नारियल फेंकेंगे। नारियल रावण जी के हाथों पर गिरेंगे, रावण जी रोएंगे और दर्द के मारे उनके हाथों से आत्मलिंग गिर जाएगा। प्रभु, हमारी योजना इनसे अच्छी है। हम एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उसे पत्तों से ढक देंगे। रावण जी जब पत्तों पे पैर रखेंगे तो आराम से गड्ढे में गिर जाएंगे और आत्मलिंग भी गिर जाएगा। ये योजना तो... प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, हमारी योजना से हम अवश्य जीत जाएंगे। अब मेरे पास एक ही उपाय है। ओहो, शाम हो गई है और संध्या वंदन का समय भी हो गया है, पर उसके लिए आत्मलिंग को नीचे रखना होगा। नहीं नहीं, अगर इसे नीचे रख दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करूं? सुनो बालक, मेरी संध्या वंदन का समय हो गया है, इसलिए तुम कुछ समय के लिए इस आत्मलिंग को पकड़ो। मैं तुरंत संध्या वंदन करके आता हूँ, उसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे उपहार दूंगा। श्रीमान, मुझे सूर्यास्त से पहले घर पहुँचना है, पर आपकी भक्ति देखकर मैं आपको ना नहीं कह सकता। धन्यवाद बालक, पर याद रखना, इसे किसी भी हाल में नीचे नहीं रखना। परंतु ये काफी भारी है, अगर मैं इसे लंबे समय तक पकड़ ना सकूं तो? मेरे पास एक युक्ति है, मैं आपको 3 बार बुलाने की कोशिश करूंगा। अगर आप नहीं आ सके तो मुझे इस शिवलिंग को नीचे रखना होगा। ठीक है, मुझे ये स्वीकार है। जल्दी कीजिए श्रीमान, ये बहुत ज्यादा भारी है, मैं इसे नहीं पकड़ सकता, मुझे इसे नीचे रखना ही होगा। तुम कौन हो बालक? मैं हूँ शिव पुत्र बाल गणेश। क्या तुम मुझसे मेरा वरदान छीनने आए हो? हाँ, ताकि आप इसका दुरुपयोग ना कर सको। रावण, राक्षसों का राजा हूँ मैं, रावण, देवता भी डरते हैं मुझसे, मुझसे टक्कर लेने की कोई सोच भी नहीं सकता, और तुम एक छोटे से बालक मुझसे टक्कर लेना चाहते हो, मेरा वरदान छीनना चाहते हो। हाँ,
क्यों नंदी? मूषक, हम यही करने वाले थे ना? बाल गणेश, तुम जानते नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूँ। न शस्त्र से, न विद्या से मुझे कोई नहीं हरा सकता, तुम भी नहीं। अरे ब्रिंगी, तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें हरा पाऊंगा? हाँ शायद या शायद नहीं। प्रभु, आप इन्हें चुनौती दे तो पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। आहा, मुझे चुनौती स्वीकार है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझसे हारो। मेरी अंतर से यही इच्छा है कि तुम मुझसे हारो। अरे क्या हुआ? रावण जी, आप तो गए। कितने मूर्ख है ये सब। राक्षस राजा रावण, मेरे भक्त जब भी दिल से कुछ मांगते हैं तो मैं उन्हें वो दे देता हूँ। बस सिर्फ उनकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। आपने सच्ची श्रद्धा से मांगा है तो मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। तथास्तु। मेरी चुनौती है कि अगर आप केवल मेरे एक पैर को इस धरती से हटा सके तो मैं आपको आत्मलिंग लौटा दूंगा। इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो चुटकी में हो जाएगा। अब मुझे आपकी योजना का मतलब समझ में आया। प्रभु, आपकी हार में भी जीत है और मेरी जीत में भी हार है।